एक्चुअली परसों क्या हुआ था मतलब परसों मतलब दो वीक पहले सात वीक ने मुझे एक बुक रेफर कर दी बुक केन्ने पे अवेलेबल है नाम उसी से पूछ लेना क्योंकि वो उसने बोला कि शेयर मत करो आप सर मैं शेयर कर देता हूँ बाद में बट उसने किया नहीं बट वो बुक में ना एक वंडरफुल टेक्निक थी एग्जॉलेशन डिबिलेशन जो पढ़ के मेरे को भी थोड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मैंने भी इतने साल से बेसिक पढ़ा बट ये बेसिक टेक्निक अप्लाई करना भूल गया बहुत बेसिक टेक्निक है जो एग्जोल्टेशन डेबलेशन बताया है। जैसे सन डेबलेटेड लिब्रा है सैटन एग्जोल्टेड एरीज मतलब एग्जोल्टेड uh, है लिब्रा ये हम किसी के चार्ट में जब एग्जोल्टेड है तभी देखते हैं मतलब अपने चार्ट में प्लान एग्जोल्टेड है तभी हम देखेंगे बाकी के टाइम देखते नहीं बट इसको ब्लैंक चार्ट में देखना है उस किताब में ऐसा लिखा है कि उसको ब्लैंक चार्ट में देखना है कैसे देखना है सपोज एरीज को आपको ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन करना है

मतलब उसके नेबर में ससुराल के नेबर में या ससुराल में एक पुलिस वाला हो सकता है क्यों मार्स एग्जोल्टेड है उसको आपको ऐसे अप्लाई करना है इवन आपका मार्स एग्जोल्टेड हो ना हो उस साल में वो स्पेसिफिक इवेंट होगा जैसे टॉरस में ना मार्स एग्जोल्टेड होता है नाइन्थ हाउस में ट्वेल्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड एग्जोल्टेड इन नाइन्थ हाउस तो आपके शादी के बाद आपका करियर राइज बिकॉज ट्वेल्थ लॉर्ड इज अ मैरिज सेवेंथ लॉर्ड और इज मैरिज नाइन्थ इज भाग्य तो आफ्टर भाग्य ये होगा कब थर्टी थ्री में ज़्यादा चांसेस है जयमिने में भी देखो आप जेमिने में क्या होता है फिफ्थ हाउस में ना सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है मतलब नाइन्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड होता है तो थर्टी ईयर में चांसेस है कि नाइन्थ लॉर्ड आपको बहुत ऊपर ऊंचाई पे लेके जाए बिकॉज ऑफ द एजुकेशन बिकॉज ऑफ द नाइन्थ हाउस जो भी है दूसरे कैरेक्टर उसके हिसाब से अब एक वर्गो का एग्जाम्पल देखो आप वर्गो में क्या होता है सिक्स लॉर्ड सेकेंड में एग्जॉल्टेड है सैटन तो आप लोन से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो हर्षत मेहता बेस्ट एग्जांपल मतलब हर्षत मेहता का सैटन सिक्स लॉट सेकेंड हाउस में एग्जॉल्टेड एंड उसने जो भी पैसा बनाया पूरा पैसा इससे ही बनाया है. और उसका एक थर्टी एट ईयर ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट था जब जब सैटन जज किया था सैटन ने जज किया था और उसका पूरा डाउनफॉल भी हुआ था तो आपका एग्जोल्टेडलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चार्ट में हो ना हो लियो में देखो लियो में आप बोल सकते हो कि विनस डेबली कहा होता है वर्गो में वर्गो तो उसको क्या नहीं करना है? उसको लिब्रा और की वर्गो नहीं करनी है मतलब क्या है लिब्रा आता है उसका थर्ड हाउस टॉरस आता है टेंथ हाउस में तो टेंथ तो और थर्ड अगर वाइफ प्रॉपर्टी परचेस करती है करेज करके या कुछ दिखाती है और वो भी थर्टी एट ईयर में करती है या स्पेसिफिक उस तो वो डेबलिट हो जाता है बीजनेस तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं तो ये ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन ये है कि वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए उसके लियो एसेंटेंट के तो ऐसे प्रिडिक्शन बनते हैं आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो हु, 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 हुआ होगा